दोस्तों, अपने यहाँ फेस्टिवल का मौसम यानी कि मिठाइयों का मौसम, तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं करवा चौथ, दिवाली या किसी भी फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट और एकदम इंस्टेंट स्वीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप घर में रखे दो सामानों से बहुत ही झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो पे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं कल्पना महेश्वरी अपने चैनल महेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चना टोस्ट या मलाई टोस्ट जैसी इस बढ़िया सी मिठाई को बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। सबसे पहले दूध को हम गैस पर रख देंगे, क्योंकि दूध से हमें रबड़ी बनानी है। रबड़ी बनाने के कई तरीके हैं। सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है कि आप दूध को इसी तरीके से रिड्यूस कर लें, परंतु हम तो इंस्टेंट मिठाई बना रहे हैं, उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। दूध में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दें या मिल्क पाउडर डाल दें। एक और तरीका होता है, उसके लिए आप एक ब्रेड का स्लाइस लें। आप चाहें तो इसके एजेस कट कर सकते हैं, और आप चाहें तो बस ऐसे ही रफली तोड़ लें। मिक्सी के जार में डालें और उसका एकदम बढ़िया सा क्रम्प बनाकर तैयार कर लें। और ये लीजिए, ब्रेड क्रम्प बनकर तैयार है। बस ब्रेड क्रम बनाते हुए एक बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बारीक ना हो या ना बहुत ज़्यादा मोटा, एकदम फाइन सा हमें इसका ब्रेड क्रम बनाना है। और बस ये जो हमने दूध पकने के लिए रखा था, इसमें हल्का सा उबाल आया है और ये ब्रेड क्रम इसी समय इसमें डाल देंगे। इसे डालने से रबड़ी इंस्टेंट गाढ़ी हो जाएगी, और यकीन मानिए इसमें ब्रेड का कोई टेस्ट नहीं आएगा, एकदम लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार होगी। इससे रबड़ी गाढ़ी तो हो जाएगी, लेकिन एक रिच टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून जितनी फ्रेश मलाई। इससे रबड़ी में बहुत ही अच्छी चिकनाहट आएगी, यानी कि वो इंस्टेंट रिच टेस्ट वाली हो जाएगी। और बस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध में भीगा हुआ केसर, और केसर डालना ऑप्शनल है, आपको पसंद है डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना बिल्कुल स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। और बस बहुत ही बढ़िया हमारी रबड़ी तैयार हो रही है। बस उसके लिए आप साइड पर जो जम जाती है उसको छुड़ाकर दूध में ही करते जाएँ, जिससे रबड़ी में अच्छे लच्छे पड़ जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि मिनटों में रबड़ी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। और अब बारी है इसमें चीनी डालने की, जिससे ये अच्छी मीठी हो जाएगी। 3 से 4 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। इस समय कैमरे में टेक्सचर से आपको पता चल रहा होगा कि रबड़ी बढ़िया सी गाढ़ी हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। और भी अच्छे टेस्ट के लिए अब हम एक काम और कर सकते हैं कि इसमें हम डाल दें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिससे रबड़ी बहुत ही बढ़िया लगेगी। और ये मैंने कुछ काजू, बादाम और पिस्ते ले लिए हैं। अगर आपको पसंद नहीं है या डालना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, पर ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है, सिर्फ मैंने तो इसलिए डाल दिए हैं। और बस अब हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। और इधर मैंने 2 टेबल स्पून जितना मावा ले लिया है। अगर आपके पास मावा नहीं है, आप फ्रेश मलाई ले सकते हैं, वो भी वही काम करेगी। और अगर मावा भी नहीं है, मलाई भी नहीं है, तो आप एक और काम कर सकते हैं, कोई भी सीजनिंग फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि आप आम ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, उससे भी वही काम हो जाएगा। और बस वैसे तो मावा मीठा होता है, उसे थोड़ा सा और मीठा करने के लिए उसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना पाउडर शुगर। इस समय आपको पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी ही डालनी है, साबुत चीनी ना डालें। साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जिससे अच्छा सा लुक हो जाएगा। और बस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे से रोल बनाकर तैयार करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे से रोल बनाने हैं, और उसे सिलेंडर का शेप दे देनी है, और एक एक बनाकर हम साइड से रखते जाएंगे। इसी तरीके से छोटा सा पोर्शन लिया और सारी शेप हमारी बनकर तैयार हो गई है, इन्हें साइड से रख देते हैं। और अब मैंने लिया है 1 प्लेट में 1/2 कप जितना मीठा दूध, और इस दूध में ऑलरेडी शक्कर मिला हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसे भी साइड से कर देते हैं। और ये मैंने लिए हैं 8 ब्रेड स्लाइस। मैंने वाइट का यूज़ किया है, आप ब्राउन ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, आपके पास जो भी रखे हों आप उसी का इस्तेमाल कर लीजिए। और बस इस तरीके से हम उसके एजेस कट कर लेंगे। इस समय रिमूव करना ज़रूरी है, वरना मिठाई का थोड़ा लुक ख़राब हो जाएगा। और बस आप चाहें तो नाइफ से कर लें, और आप चाहें तो सीजर से कर लें, और आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते हैं, सबसे इजीली हो जाते हैं। और ये लीजिए झटपट से कट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, एक एक ब्रेड स्लाइस लेते जाएंगे, और बेलन से उसे हल्का सा बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, ना बहुत ज़्यादा प्रेशर से बेलना है। और देखिए बिल्कुल
हल्का हल्का सा बेलते जाएंगे। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा मोटी, और इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड स्लाइस बेल लिए हैं। अब जो मीठा दूध लिया था उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बस उसमें हल्का सा डिप किया, हथेली में रखा, बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस किया, ज़्यादा प्रेशर से प्रेस नहीं करना है। और हमने जो वो मावा तैयार किया था ना चीनी वाला, अब उसको भी इस तरीके से जैसे हम ब्रेड रोल बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से हम इसे स्टफ़ करेंगे। बस साइड से रखेंगे, एक फोड़ लगाया, एक और फोड़ लगा दिया और बिल्कुल हल्के से इसे सील कर दिया। और बस अब इसे इस तरीके से बनाते जाएंगे, साइड से रखते जाएंगे, एक और बना लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस किया, मावे वाली स्टफिंग रखी, और आपने देखा ना कितना बनाना इजी है, बहुत ही झटपट बन जाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा ना कोई बाजार का सामान लगेगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मिनटों में मैंने ये सारे जो ब्रेड रोल जैसे थे बनाकर रख लिए हैं। अब बारी है सर्व करने की। सर्व करने के लिए बस अब हम इसके ऊपर रबड़ी डाल देंगे। रबड़ी डालने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें जो टेस्ट आने वाला है वो रबड़ी से ही आने वाला है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, अगर आपके पास चांदी का बर्फ है ना तो थोड़ा सा लगा दीजिए, बहुत ही रिच टेस्ट देता है। अगर अच्छी क्वालिटी का बर्फ नहीं है तो बिल्कुल भी ना लगाएं, या आपको बर्फ पसंद नहीं है तो भी बिल्कुल ना लगाएं। बस मैं तो लुक के लिए बता रही हूँ कि ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और ये लीजिए चांदी का बर्फ लग चुका है, कोई देख कर कह सकता है कि इस मिठाई को हमने ब्रेड से बनाया है। बिल्कुल छेना टोस्ट, शाही टोस्ट, या आप समझ सकते हैं रसमलाई वाला टेस्ट देने वाली है। उम्मीद है अच्छी लगी होगी।